बेटे कहाँ गए पता ही नहीं है साले, बहुत जल्दी उनकी ऐसी। हेलो, अरे भैया कहाँ गए? अरे कहीं गए हो क्या? एक काम जल्दी हो जाए बस, एक बार मेरे को विसर्जन में जाना है। अरे कहाँ गए तुम? अरे भैया कहाँ गए? टूट गया क्या? क्यों रे भैया? क्या है भैया? हिसाब से मारना, मैं आ रहा हूँ कुछ हूँ। अरे तो भैया कब से सुबह से लगा के रखे हो, ना तो पेमेंट मिली ना कुछ मिला है। अबे ले लेना, तेरे कहाँ डिंग डिंग मचा के रखे हो यार, ले लेना ले लेना। 4-5 हजार रुपए की नंगा जैसे मत हो, थोड़ा तरीके से कपड़े लेना। कपड़े नहीं पहन के आया हूँ मैं। अबे मैं भिखारी दिख रहा हूँ तेरे सामने? ऐसा लग रहा है मैं तेरा नौकर हूँ। तुम देखो ये देखो ये देखो ये काली हो गई पसीने से। अबे मैंने तो वो भी नहीं पहना, देख सफेद लाया था। ज्यादा की बात, विसर्जन में जाना है मेरे को। अरे यार तू पानी मार पहले। पानी तो मार रहा हूँ, सुबह से मार रहा हूँ पानी। अच्छा, पैसे 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 एक तो पैसे तक नहीं देते। अरे खाते पीते ले लेना यार, पानी मार पहले तू यहाँ से पूरा मार। एक तो सुबह से बिस्कुट चाय नहीं पिलाए है खिलाए है। अबे तू यहाँ काम करने आए, चाय पीने आए है तो कहाँ खाना तो मिलना चाहिए। हाँ खाना खाएगा तू? कैसे नहीं? अबे तो शाम को भंडारा है। तो भंडारे में कौन सा तुम ले जाओगे? अपने मोहल्ले का भंडारा है ना भाई। अरे यार बड़े भैया कौन दो यार, वो बताएंगे वो पैसा देंगे। अरे वो आ गया ना। अरे काय का देंग देंगे सुबह सुबह का तुम्हारा यार? भंडारा है शाम को, लेकिन हमको अभी भूख लगी है। सुबह सुबह वो डंग डंग मचा के रखा है पूरे टाइम। 8 दिन में काम करके दूंगा काय के, एक रात तुम्हारा पैसे नहीं लेता और पूरा फिर गणेश जी विसर्जन है तो ये है वो है दुनिया की लंदफान। एक का लड़का भेज दिया हो गया तराई करने के लिए, वो भी यहाँ क्या कर रहा है? हो गई करे पैसे मांग रहेगा यार। पूरे डिंग डिंग मचा के रखा है। देने वाला हूँ फोकट का ठेका दिया हूँ, हफ्ता आया कि पैसे चाहिए पैसे चाहिए। साला काम होए ना मत हो। एक तो काम बंद कर दिया उसने। अच्छा गांव विसर्जन फिसर्जन कर रहा है वहाँ। अरे चौकट कैसा लगाया है? उसको आने तो दे, पैसे काटूंगा। रे कभी फोन में बाद में बात करूंगा, यहाँ आके बात करना। हाँ यही आना जब बात होगी। अब डेंग डेंग ठेकेदार क्यों नहीं लगा रहा काम? पता नहीं कहाँ मारा है, मेरा तो पैसे चाहिए। 10 दिन हो गया डंग डंग मचा के रखा। अरे होगा ना गा, 4-5 हजार रुपए ज्यादा थोड़ी ना है। ना तो सुबह चाय के लिए पूछे ना बिस्कुट के लिए। अबे हमको खाने नहीं मिलती, तेरे को कहाँ की चाय बिस्किट दे देंगे बे। अरे दुकान है ना साइड में, जाके ला सकते हो। अबे पैसे लगते फुकट की नहीं आती। अगा इसके पैसे दुदू कर देंगे अपनी 2 दिन की कमाई है दोनों भाई की। कहाँ की बे? अपनी दोनों की कमाई। ऐसा बता रहा जैसे बड़ा करनी था। बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जैसे तुम लोग तो। जब इज्जत चिल्ला चिल्ला गला बैठ गया आदमी। और मेरे को एक बात बता। नहीं मेरे को विसर्जन में जाना है। अबे तू चुप रहना बे, साला टेंटे हो रहा है जब इसे। इसको 5-1 रुपए दे दे चले जाएगा। वो जाएगा वैसे। अरे 1000 रुपए दो कहाँ के पास यार तू। अबे वहाँ विसर्जन में तो फोकट का खाने मिलता है, अंडारा भंडारा सब होता है वहाँ पे। रात में पैसे लग रहे हैं? नहीं मेरे को लग रहे हैं तो। अरे उन्हें बुला लाएंगे वो चोला अपने ऊपर डाल लेना। जानवर कहीं का मैं बैठाऊंगा कुछ। अगर तेरे ही पैर ढूंढ रहा था वो तो, उसको ऐसा था। अरे रहने हम तेल मत लगा। और मेरे को एक बात बता, ये चौखट कैसी लगाया तूने? ये हर्रा की, वो साजा की, वो सागुन की? अबे 70 साल पुरानी लकड़ी है ये। अच्छा अरे वो 70 रहे ना 71, और तू इतना काई के लिए फेंक रहेगा? 70 साल पहले तू कहाँ पैदा हो गया था? अरे दादा ने बताया मेरे को ये लकड़ी को रह, मेरा नया घर बनाओगे तो बोले ये चौखट लगा देना का जीरवा के। अच्छा वो क्या है वो ईटा उठा वाला वाली? अरे यार ये भी रास्ते पे फेंक देते हैं। अरे पूरा काम रन बनेगा इनका। ध्यान दे कर तो देते हो क्या बे? सब तरह मैं अकेले तन्ना लूंगा क्या? मेरे को दूसरे भी तो काम रहते हैं पागल कहीं का। एक ही काम थोड़ी ना है, फोन में बात करना है ये वो मतलब इधर उधर थोड़ा पैसे का जमाना पड़ता है ना। अच्छा आदमी थक गया, क्या करे ना क्या नहीं करे। साला इसका पैसा नहीं देगा तो घर रह जाएगा वैसा आदमी का। अबे रुकना बे, तो थोड़ा सा पानी बचा इसको मार मूर के। तू तो देखना क्या देख रहा है। अरे अबे दीवार मिला रहा सीधी चलाया क्या नहीं करके। बाप मरा अंधेरे में बेटा पावर हाउस इंजीनियर बनेगा। अबे ऐसे काम करवा के तो सीखता है आदमी, साले मिट्टी का घर तो बना बना के थक गया आदमी। अच्छा मेरे को मत सिखा, कहीं घर मकान बना के छोड़ दिया है ना। और सुनगा ठेका देंगे तो ढंग के मिस्त्री को देंगे। अबे आधे से ज्यादा तो बन गया, आपके तक का ठेका देगा।
नहीं प्लास्टर पूरा होगा मेरे हिसाब से। अच्छा हाँ करवा लेना पूरा है क्या नहीं। चल चल और सुनगा तेरे को अभी बोल दिया ना मैंने, फिर से बता रहा हूँ प्लास्टर पूरा मेरे हिसाब से होगा। अच्छा अबे तेरे को समझता है कुछ क्या उसके बारे में? बहुत कुछ समझता है वो तो जरा बाबू ने पैसे कम पड़ गए घर के घर बुला लिया मेरे को, नहीं तो मैं आज कुछ और रहता। अच्छा इंजीनियर की पढ़ाई करता और गुपचुप का ठेला तो लगाता कम से कम। शर्म नहीं आती भोसड़ी पढ़ाते तो बेशरम के आड़ में छुपता था, कहीं टिल्ली खेलने जाए, कहीं गोली खेलने जाए, कहीं क्रिकेट खेलने जाए। बाप रे क्या बनाता है यहाँ पे। वो अपने एक दिन रहते हैं गा, तू उसके टेंशन मत ले। तू छोड़ यार मैं अभी बहुत टेंशन में आ गया हूँ। काय की? अच्छा अरे इतना तो बन गया, मेरे को लगता है सोनिया लंबा ही खर्चा जाएगा बे। होगा बजट बहुत, तीन माला जाएगी अपनी बिल्डिंग। तीन काक बनाएंगे बे? नीचे का तेरा नहीं, नीचे मैं रहूंगा गा, मेरे को ना ऊपर चढ़ना नहीं जमता। तो फिर नीचे वाले में मैं वो फाल सीलिंग करवा लूंगा। देख नीचे मेरा बीच में तेरा बाबिया ऊपर। हाँ तो मैं बीच वाले में करवाऊंगा फाल सीलिंग। हाँ है? मैं तो नीचे पीओपी करवाऊंगा मस्त, भले डेढ़ दो लाख रुपए और लग जाए बस एक नंबर। मैं भी खर्चा करूंगा। गांव में सबसे ऊंची बिल्डिंग अपनी रहेगी, गांव खारी तक दिखता है पूरा। अभी पर सीढ़ी किधर से बनाएंगे तो भे? तो अपने जंगल से लाएंगे दो टन बल्ली। वैसी ना बा साला इतने इतना खर्चा करेगा ना लकड़ी की सीढ़ी लगाएगा क्या बे? मेरी भाभी कहीं दड़खड़ के गिर गई तो मेरे को अपनी घरवाली के बारे में भी सोचना पड़ता है। वो गई तेल लेने अभी, अबे ऐसे का तेल लेने जाएगी बे? तो खत्म हो गया। क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? बैठ बैठ चल आग पर बैठ जाएगी। अरे तो तुम्हारे ऊपर चढ़ रही हूँ क्या, बैठ ही रही हूँ ना? ओह नो, आस पड़ोस के देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे आस पड़ोस छोड़, यहाँ देवर की कोई शर्म नहीं है। अबे तू तो छोटा है, तेरी टेंशन बड़ा हो गया हूँ, दाढ़ी मूछ पल गई। तुम करो शर्म, जो लाए थे वो फलाने इनको, समझ रहे हो? मेरे को शर्म सिखा रहा है। अरे छोड़ना, क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? अरे मकान में भेजा खर्चा आ रहा है, कैसा करेंगे क्या, वही विचार लगा रहा था मैं। बाबूजी को बोलना खेत वेत बेचेंगे और लगा देंगे घर में। अच्छा पूरी टेंशन में, लेकिन सनसना के बड़ा घर बनाएंगे अपन, लगना भी चाहिए कि महाजन आदमी है, समझ रहे? अरे तो खेती रहेगी तो घर से काम होगा, नहीं तो क्या खेत बेच के घर बनाएगी क्या? साली अट्ठी नहीं है पूरी, तू भी करूंगी और बता करूंगी। चलो कमाने जाएंगे दोनों फिर बाहर। नहीं इनका क्या होगा, ये घर संभाल लेंगे, सबको ले जाएंगे संग। चिपटा नहीं नहीं नहीं, पहले अपन फल्ली खोदेंगे, उसके बाद में जब धान आएगा फिर धान कटाई होगी। हाँ मालूम है, फल्ली खोद के होंगे तो कहेगा मैं अभी नवरात्रि दुकान लगा लेता हूँ, कहेगा साला चुकांबा कहीं का कहीं नहीं जाते। और बेचने से ज्यादा ये खाता है जी, ऐसे निपटा देता है ये वहाँ बैठा है। ऐसा नहीं कि कहीं से कमा के धमा के दो पैसे ला ले। गलत बोल रहा है, इस बार मंडई में मैं लगाऊंगा गुपचुप का ठेला, उसमें कमाई है तगड़ी। अच्छा 10 रुपए की 5 गरम वाली। हाँ ना, जब तुम्हारी लड़की आएगी तो देखेगा उनको। हाँ, तू सही बोली, तूने सही बोली। कैसे पता चल जाता? अरे तेरी नियत मेरे को पता है। तू टेल के तो मत बैठगा, मेरा आंग संभाल के नहीं हो रहा है यहाँ, और टेल रही इधर। तुम बोलने दोगे क्या? नहीं मेरे को तो बोलना अच्छे से। तेरी नियत मैं बड़े अच्छे से जानती हूँ, समझ रहा है? एक गोरी दिखी नहीं की तेरी चकाचक हो जाती है। ये बात गलत है, मेरे को काली भी चल जाती है। एक इज्जत नहीं है भैया भाभी की। सर पे चढ़ाई है। अच्छा साली को पहले से बोलता था थोड़ा दबाव में रख, दबाव में रख। नहीं छोटे छोटे है जी, अभी इनका कौन है? मैं तो हूं, तुम तो हूं। तो बेटा जैसे पाली हूँ ना ये कुतरन को झेला। और मैंने इसमें तो दो पत्ती कम थी, तूने और डबल से कहां से पैसे जुगाड़ करके ले ली? ना जी, बड़े मुश्किल से तो पैसा जोड़ जोड़ के कछु लेती हूँ, फिर भी नियत लगा के बैठ गई। अच्छा हो गया बिचारी घर साला, वो अभी अभी देख रहा हूँ 1000 महीने के डलते है ना, घर वाले चूतिया बनाते हैं, जेवर दुकान में रहते हैं, 1000 में क्या जेवर आ जाएगा क्या? साले जेब को चूना लगा लगा के साले पैसे जमा कर रहे हो तुम। तुम्हारे ना अंदर के कपड़े भी मेरे पैसे से आते हैं, ये मत भूलो तुम, समझ रहे हो? 1000 रुपए में नियत मत डालो, बहुत दिन के बाद देखना तुम आगे जाके 2000-5000 हो जाएगा, फिर तो मैं मालामाल, समझ रहे हो? 10-20 साड़ी ऐसी रहेगी और ऐसे बैठूंगी, गांव की लेडीज जब आएंगी ना दाढ़ी ऐसे जलेंगी, ऐसे जलेंगी। ओह नो, धुआं उड़ेगा। तू गलत बोल रही है, वो कथड़ी की अपन वो साड़ी की अपन कथड़ी बनाएंगे, कथड़ी बहुत गर्म होती है साड़ी की। हाँ टेरी काट की रहती है, तेरी अरे वो छोड़ो यार अभी। सुनो तो, तेरी भाभी के पास ना फटे तक पैसे हैं, समझ रहा? फटे तक कमाते नहीं इतने पैसे के पैसा आगे चीरमा हूँ।
मकान में लगा। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, तेरे भाभी के पास फटे तक पैसे बिल्कुल नहीं है, समझ रहा है? नोट दस दस की फट गई थी उनको, फटे तक बिल्कुल नहीं है। अच्छा फटी नोट है ऐसा बोल रहा हूँ, सपने देखने लगा था। हाँ ले तो क्या बोल रहे थे? तो वही मैं बताया, मैंने कहा ये खर्चे का कैसा करेंगे, नहीं होगा तो मैं कहीं कहीं जाता हूँ कमाने, कहीं चलते हैं। मेरे स्वामी मेरे प्राणनाथ जी, बोलिए धर्म पत्नी पूरी बात कर, मुझे छोड़ के ना जाइए आप, मैं यहाँ मर जाऊंगी, मैं यहाँ घुटन होती है, मेरे को यहाँ रहती हूँ अकेले तो। बस पिंकी बस मुझे जाना ही होगा स्वामी, मुझे छोड़। अरे स्वामी की ऐसी कैसी, मेरे को जाना ही होगा। आ तो हमको भी ले जा लेना जी, वो बेड्डी लग गई है खेत में, फिर हम कैसे करेंगे यहाँ अकेले। तू एक काम कर, तू तैयारी कर मेरी, वो कपड़े उपड़े पैक कर मेरे, मेरे को मत छोड़ो जी, मैं रह जाता हूँ ना घर में का, क्या करेगा फिर, काम करवाना पड़ता है। वो साले खुदे आके कर लेंगे काम, पैसे लाके देगा जब तो काम करेंगे क्या? मैं भी आऊंगी, काम कर बात की बात, मैं भी आऊंगी वहाँ, कहीं आऊंगी तेरे को छोड़ के मत जाना, चलना रे। अरे आज 15 दिन में आते रहूंगा ना मैं, रात दो रात के लिए। ऐसे करते हो तुम हमेशा मेरे को छोड़ के भागने का, वहाँ नहीं तो पानी लेके आना, पानी लेके आना, जार ला दू घोर के पिला दूंगी, बिल्कुल सायने टपक जाना, कम से कम तुम्हारी आस तो नहीं रहेगी मेरे को। अरना तुम मेरे को लेके नहीं गए ना तो तुम सोच लेना, पानी तो ला यार, को ले जा लेना। हाँ जा पहले पानी ला मेरे लिए, बोलना तेरे भैया को। आहा तेरी कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे, कुत्ता दूसरी मिल जाती है उधर, इसलिए लेके नहीं जाते मेरे। अरे साली हर घरवाली को सक्का ही होता है, वो मेरा एक दोस्त था तो वो भी ऐसा हमारे की सक्कच करती है क्या? तू मेरी बातें नहीं सुनता का? मैं बाहर क्यों नहीं आ रहा हूँ तेरे साथ मालूम है? वहाँ जाओ और इधर उधर की लड़कियाँ आती है ना, वो भगा भूगी वाले केस भेजा होते हैं साले। अच्छा तो तेरे को उनसे क्या लेना देना बे? तो मैं भी कुआरा हूँ ना का, मेरा तेरे तो अपने आप पे काबू रखना। वो नहीं हो सकता अपने से, कुछ भी हो जाएगा, वो नहीं हो सकता कभी, सारी दुनिया ऐसा चूती है। बे समझा कर तूने टेंशन, आई एम बिजनेस मैन। अच्छा चेहरा तो कहीं देखा हुआ लगता है का? बिन्नी बिन्नी हकला, अरे मेरे को ऊपर डाउट हो रहा है बेटा, ढंग से हकला नहीं सकता, ये इंग्लिश इंग्लिश बोल रहा है। आई एम बिजनेस मैन, कुर्सी वर्सी तो देते हो बे। अरे तुम कहीं भी बैठ जाओ ना यार। ओह नो बेटा, फर्नीचर कुर्सी देंगे, खुद लावर बैठ बे। नया नया अपने गांव में कोई जादूखोर तो नहीं आया रे? बिजनेस मैन आलम बिंडी आंग डाले। अच्छा अकला, अबे मेरे को भी इंग्लिश आती है रे। टेक टाइम, टेक टाइम, फुल फैसिलिटी ऑलराउंड, फुल फैसिलिटी नुनासट क्लियर। तू आ कर बे, आ पांक, दारू भी नहीं पिया इसने तो आज। ऐ आज तू, आई एम नो बाइन सेंटर, ओनली फॉर डियर्स डियर। अरे चल छोड़, तू ये कब से कर रहा है ये नौकरी चाकरी? बिजनेस सही में ये साले चूतिया तो नहीं बना रहा हमको तू? 16,000 महीना। अबे अभी हमारा धान कटेगा। अच्छा 1.5-2 लाख रुपए तुम्हारे पास ऐसे ही आ जाते हैं? अरे तुम पर बिजनेस काय का कर रहा है तो भाई? अरे वही दिखाऊंगा तेरे को। एक तो ये 6 महीने में एक शब्द बोलता है यार। ठीक है ठीक है, क्वालिटी लग रहा है बे, करता होगा वैसा। शूटिंग शूटिंग जूता। हाँ तो सर हमारे घर आने का इरादा क्या था आपका? सातवा। ओ सर हमारे घर आने का क्या इरादा? चुन्नी जलाने आया है। हाँ बे क्या बोल रहे? तू हमारे घर आया क्यों है ये पहले बता। मैं बता रहा हूँ, मेरी आधी भी जुड़ गई। अच्छा नौकरी के चक्कर में तेरे भाभू को मैंने कहा था, राम किशन काका को, कि
जोड़ दे। नहीं जोड़ा तुम शादी क्या तुम तो मेरे साले लगो क्या भाई। तेरे जैसे जीजा मिलने से अच्छा है तो मेरे जैसे साले ही पैदा ना हो। सही तुम्हारे लड़की मिल गई साला। और तू हमारे बाप को क्या बताने वाला है? मैंने बता दिया काका तेरे घर के ये मंगू कुछ नहीं करते। अच्छा साला तो दुख तो मेरे को इस बात का है कि इसकी भी शादी लग गई। साले तो हमारे घर तेरा गुस्सा मेरे को मालूम भाई। बिजनेस बिजनेस अबे हम भी बकरी का बिजनेस करते हैं। तो मजा आ गया क्या? छह महीने में डब्बा पैसा डबल क्यों होगा? तो साला यहाँ आके भड़काएगा मेरे बाप को तो मेरे भाइयों को। अच्छा हो गया तूने रोक लिया मेरे को। नहीं तेरा गुस्सा मेरे को मालूम है। पहला मर्डर हो जाता। अच्छा नहीं उतना लंबा नहीं करना है अपने को। जल जाएगा तो फिर कमाएगा कौन बे? तू का मैं अकेले कितना कमा लूंगा बे? शुरू बचपन से तो कमाते जा रहा हूँ। मेरे को मार देगा क्या? जहाँ देखो तू ही कमाएगा, तू ही कमाएगा। कुछ अच्छा सोचो बे। देख साला वो बिन्नी। सही में मेरे को तो पूरा शक हो गया कि सही में वो कुछ ऑफिसर बन गया होगा। ऐसा पहली बार देखा ना मैंने बे। बैग वैग टांगे शादी भी जुड़ गई कहता है वो। अपन भी कर देते ना बिजनेस स्टार्ट। तो अच्छा पैसा लगेगा पैसा। पैसा थोड़ी ना लगता है। और रही बात पैसे की तो 10-15-20 लाख रुपए तो मेरे दिमाग में ऐसे हैं। अच्छा लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि उनको बाहर कैसे निकालूं। मेरे सोच कुछ ना कुछ उपाय मैं भी देख। मेरे दिमाग में 15-20 लाख रुपए हैं, बाहर कैसे निकालूं वो सोच रहा हूँ मैं। अरे यार वैसे तो मेरे भी दिमाग में 2-3 करोड़ है। अच्छा बहुत कम है गा तेरे पास गा। मात्र दिक्कत ये हो गई बिजनेस काय का करेंगे? बिन्या से ही पूछेंगे ना बे। 16,000 मिल रहे हैं कह रहा है वो तो एक महीने के। मैं तेरे भाभी के जेवर वेवर बेच के भी और जुगाड़ कर लूंगा पैसे। oh, no. बारे मेरे किसमिस में नो एक नंबर जुगाड़ का दिमाग लगा रहे तुम लोग। अरे तू पागल है क्या? तू बैठ बैठ। नहीं 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 कब से ये किसमिस जैसे दिमाग लगा रहे? अरे पहले पूरी बात सुन ले। हम करोड़पति बन जाएंगे करोड़पति। अरे मेरे को नहीं बनना है करोड़पति। अभी देख कब करोड़पति बना दो कोई गारंटी नहीं। अरे इसको समझा। सब्जी खत्म हो गई है घर में। जाओ दोनों भाई वो ला लेंगे। तू मेरी एक छोटी सी स्कीम सुन ले बस। के अमरे सुन तो ले। आज तू क्या है? मैं क्या हूँ? पिंकी पति। पिंकी पति हूँ क्या? नहीं मैं पिंकी के पति हो तुम। हाँ जैसा बिजनेस स्टार्ट करेंगे तू मालकिन रहेगी। पूरा पैसा ला किसी को देंगे अपन। वो आबू बाबू का नहीं देते बे। अच्छा ये पूरा घर चलाइया ये और हम आबू बाबू को दे। हाँ कुछुड़ कुछुड़ करते रहता है वो। पूरा पैसा ला के तेरे को देंगे हम। ये गिड्डी की गिड्डी आरटीजी में लाना पड़ेगा फिर। अभी जो अपन जो अभी अभी जो अपन ना इसके वो जेवर जट्टे गिरवी रखेंगे ना ये डबल डबल लाएंगे। फालतू बात। अरे तू नहीं सब साले नहीं करना। ये तो गिरवी रखने की बात कर रहे बेचने की नहीं कर रहा। अरे तो कैसे रख दोगे एक जेवर देने से रही मैं तुमको। अरे चमाइला तो फिर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता आदमी। तो मेरे से आगे बढ़ोगे क्या? अरे तू और दूसरा कोई चारा भी नहीं है ना। धान मन काट लेते हैं। हाँ बोलो। अरे धान की भी कितने पैसे होंगे वो? सुनो तो मैं बोल। अरे जितना लेट करेगी उतना पीछे जाएंगे अपन। समझा कर जरा। ये समझती नहीं कुछ। हाँ। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है इसको समझा का। और ये बड़े बड़े धीरू भाई अंबानी अडानी ये कैसे बड़े आदमी बने। इनने अपनी घरवाली के जेवर गिरवी रखे थे। 100 रुपए जब आज पूरे दुनिया में इनका नाम आता है दूसरे तीसरे नंबर का। बेबी के नहीं बीबी बीबी बेबी उसको बिजनेस बोलते नहीं आता गा किसमिस मैन कह रही है। एक काम कर अब तू बीच में मत बोल। तू एक काम कर तेरे जितने जेवर जट्टे हैं पूरे लाके मेरे पास दे 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 और फिर देख हम कैसे बिजनेस की शुरुआत करते हैं। मंगलसूत्र दूं क्या? नहीं इसको छोड़ के बाकी पूरे जेवर दे दे क्योंकि अपने को अब देख। और ये प्लान कानो कान किसी को खबर नहीं होना चाहिए। नहीं 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 क्योंकि अपन धान कटने के पहले ही करोड़पति बन जाएंगे। अपन तीनों के बीच की बात रहेगी है ना। थोक में निकाल दो साड़ी वाड़ी सब दे दूंगी। अरे साड़ी कौन लेगा? फालतू बात करती है। बिक जाती है गा। बिक जाती है गा। पाल पर्दे लगाने। हाँ तो एक ठल रख ले तेरे लिए बस।
अच्छा एक ठल रख ले बाकी उनको भी ले जा ले मैं जिंदगी बिता लूंगी एक ठल में अरे कुछ दिन की तो बात है फिर तो तेरे पास पूरी गोदरेज अलमारी फुल क्यों रे मन पसंद सा हीरे जड़ी वाली लेंगे बे पहली कमाई की तेरे लिए हाँ जोर से मत बोलो मोहल्ले वाले सुन लेंगे तो साले हमसे पहले वही बिजनेस स्टार्ट कर दे अभी सब्जी के लिए पैसा तो मांग लेगा लाना समोसे खाएंगे दोनों भाई पैसा दे